अब मेरी बात ध्यान से समझना जरा, ठीक है? हमने लास्ट क्लास में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है? हम एक बार पहले फॉर्मूले पे लाइटिंग कर लेते हैं कि क्या समझा था। फॉर्मूला बेटा कुछ इस तरीके से होता है, आर यानी कोरिलेशन, अच्छा आर यहाँ पर स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है? यानी कोरिलेशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये है इसका फॉर्मूला। हालांकि ये फॉर्मूला जितना सिंपल दिख रहा है बेटा, ये इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं होता। ध्यान रखना, ये एक्स और वाई, ये बेसिकली स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है जिसको हमें पहले कैलकुलेट करना होता है, ठीक है? सो इसके मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए थे, हम ना एक बार उन स्टेप्स को एक बार वापस से समझ लेते हैं। तो बेटा जब भी हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? अब इस फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करते हैं, मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके रहे ये पांच स्टेप्स, और इन पांच स्टेप्स को हमें बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा बेटा, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप, हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, मीन कैलकुलेट करना होता है दो वेरिएबल्स का। यानी दो वेरिएबल्स मतलब कौन कौन से, एक एक्स का और एक वाई का। अब मैं आप लोग को ना एक क्वेश्चन दिखाता हूं, सपोज करो आप लोग को ये एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर थ्री दिख रहा है सारे बच्चों को, है ना? तो बेटा सीरीज ए सीरीज बी, आप लोग को दो सीरीज दिख रही है, ठीक? तो सीरीज ए को हम ठीक बेटा, सीरीज ए को हम एज्यूम कर लेंगे कि दिस विल बी इंडिविजुअल सीरीज, और सीरीज बी को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, हमारी वाई सीरीज है। बात समझ में आए? सीरीज ए हमारी एक्स हो गई और सीरीज बी हमारी वाई हो गई। बात समझ में आया? अच्छा, तो बेटा दोनों यानी एक्स का और वाई का, दोनों का हम क्या निकालेंगे सबसे पहला स्टेप, मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही सिग्मा एक्स अपॉन एन और सिग्मा वाई अपॉन एन, ठीक है? अब हमने जब मीन कैलकुलेट कर लिया, अब हम निकालेंगे डेविएशन, क्योंकि अगर हम डेविएशन निकालेंगे तभी हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आएगा। डेविएशन कैसे निकलता बेटा, एक्स माइनस एक्स मीन, और वाई का डेविएशन कैसे निकलेगा, वाई माइनस वाई मीन। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। क्लियर हो गए सारे बच्चे? अरे ठीक है, देखो बेटा जरूर ध्यान से सुनना जरा जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास एक्स वाई आ चुका है, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है। नहीं हो पाएगा बेटा, अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सेटिंग, अभी इसकी जब चेंज करूंगा तब करूंगा, अभी एडजस्ट कर लो, ठीक है? अच्छा अब मेरी बात ध्यान से जरा सारे बच्चे सुनेंगे बेटा, ठीक है? कि इसके अंदर अब हमें समझना क्या है, अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास एक्स स्मॉल एक्स आ गया, स्मॉल वाई आ गया। सबसे पहले हमें किस चीज का सिग्मा चाहिए बेटा, अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो किस चीज का सिग्मा चाहिए, एक्स वाई का। तो बेटा आपके पास एक्स आ गया, आपके पास वाई आ गया, अगर आप एक्स इंटू वाई कर दो तो क्या मेरे पास एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए बेटा आपका थर्ड स्टेप क्या है, आपको दोनों डेविएशन को यानी स्मॉल एक्स को स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा एक्स वाई। और जैसे ही बेटा एक्स वाई आ गया, हमें सिग्मा एक्स वाई के लिए क्या करना होगा, इसी एक्स वाई का सम करना होगा। बात समझ में आया? ओके बेटा, फोर्थ स्टेप, अगर आप देखो तो आपको और क्या चाहिए फॉर्मूले में, अब आपको एक्स का स्क्वायर यानी स्मॉल एक्स जो आ चुका है उसका स्क्वायर का सम चाहिए, और स्मॉल वाई जो आ चुका है उसके स्क्वायर का सम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो जो हमारा स्मॉल एक्स यानी जो डेविएशन आया था उनकी वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे, एक्स के डेविएशन का भी स्क्वायर करेंगे और वाई के डेविएशन का भी स्क्वायर करेंगे। सो दैट्स हाउ दैट वैल्यू विल बिकम एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। क्लियर सारे बच्चे? ठीक है, फिर हम उनका टोटल कर देंगे यानी सम कर देंगे तो वो हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और सिग्मा वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर यहां पर सारे बच्चे? ठीक, अब उसके बाद हम फिर क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूले में अप्लाई करना शुरू कर देंगे। सारे बच्चों को फॉर्मूला क्लियर है? सर लास्ट स्टेप ये फिफ्थ वाला, ने एक्स वाई कर लिया, ने एक्स डेविएशन का स्क्वायर भी निकाल लिया
यानी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई दोनों का स्क्वायर निकाल दियो। अब इन तीनों वेरिएबल्स का आप क्या करोगे, टोटल करोगे, तो टोटल करोगे तो एक्स वाई का टोटल बन जाएगा सिग्मा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर का टोटल बन जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का टोटल बन जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर, समझे। तो सर से क्या पूछ रहे हो? हाँ, वो तो करवा ही रहे, पहले ही बताओ ये मेथड समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है। चलो, अगर मेथड समझ में आया बेटा तो एक सेकेंड बस रुको, बस एक सेकेंड, इसको ना करने का और एक अच्छा तरीका है कि अगर मैं इसको इसमें खोलता हूँ तो ज्यादा बेटर खुलेगा। खुल जा सिमसिम, खुल जा, तुम सब लोग बोलो खुल जा सिमसिम, शायद जल्दी खुल जाए, रहने दो मत ही बोलना आप। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा जरा, अगर आप देखो तो सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर, रुको, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर बेटा 5 दिख रहा सारे बच्चों को, आपके पास x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है। अब हमें इसका क्या निकालना है बेटा, कार्ल पियर्सन मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। सबसे पहला काम, हम क्वेश्चन को जरा पहले एक बार कॉपी कर लेते हैं बेटा। तो हमारे पास x है, हमारे पास y की वैल्यूज गिवन है, तो पहले हम x और y दोनों के डेटा को पहले नोट कर लेते हैं। तो x का डेटा बेटा 10, 12, 8, 15, 10, 12, 8, 15, ठीक है, और क्या वैल्यूज गिवन है बेटा, 20, 25, 40, 20, 25 और 40। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है गिवन है बेटा, 15, 10, 6, 25, 15, 10, 6, 25, और वैल्यूज क्या गिवन है, 16, 12, 8, ठीक है, 16, 12, 8। अब हमने क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लिया बेटा। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या था, मीन निकालेंगे, किसका किसका, एक्स और वाई दोनों का ना। तो चलो भाई सबसे पहले हम जरा मीन निकालते हैं, तो एक्स बार यानी मीन कैसे निकलेगा बेटा, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, और वाई बार यानी वाई का मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा वाई अपॉन एन। तो जल्दी से जरा टोटल करो, 10 प्लस 12 22 प्लस 8 30 45 65 70, 90, 130, 130 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, 3, 6, 7, नहीं 7 है, ठीक है, ओके। एंड सिग्मा वाई 15 प्लस 10, 25 प्लस 6, 31 प्लस 25, 56, 56 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 56, 72, देन 84, 92, 92 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो जल्दी से जरा इसका वो निकालो बेटा, मीन निकालो जल्दी से, हाँ एक्स मीन कितना आ गया बेटा, 18.57। 92 का निकालते हैं जरा, 7 वन 7 कितना बेटा, 14.14, ठीक है, 13 ना, ओके ठीक है। सो एक्स मीन निकल गया, वाई मीन निकल गया, वाई मीन कितना आ गया, 13.14। हम क्या करेंगे बेटा, एक्स माइनस एक्स मीन करेंगे और वाई माइनस वाई मीन करेंगे, सो दैट हमारे पास क्या आ सके, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। बात समझ में आई सब बच्चों के, ठीक, ओके बेटा। 10 माइनस 18.57 ये आ जाएगा माइनस का 8.57, 12 माइनस 18.57 दिस विल बिकम माइनस का 6.57, 8 माइनस 18.57 दिस विल बिकम माइनस का 10.57, एंड 15 माइनस 18.57 दिस विल बिकम माइनस का 3.57, एंड 20 माइनस 18.57 सो दिस विल बिकम 431.43। सेम एज ऐसे करके जरा सारे लोग कैलकुलेट करें बेटा एक्स और वाई की कैलकुलेशन जल्दी से।
कैलकुलेट करें। नहीं रखी सर। कैलकुलेट किया सबने? क्या सबका स्मॉल एक्स की कैलकुलेशन यही आई है बेटा? इसका ना एक मेथड और है जिसमें ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इंप्रूव्ड हो जाती है, वो मैं बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में। पहले एक बार जरा टिपिकल मेथड समझ लो। अब जरा वाई माइनस कौन सा वाला? अरे हाँ 4 3 आएगा, 4 7 लिख दिया। अब जरा बेटा नेक्स्ट करते हैं, वाई माइनस वाई मीन करते हैं। सो वाई कितना हमारा 15 और ये कितना है 13.14। 15 माइनस 13.14 तो 86, 1.86। 10 माइनस 13.84 दिस विल बिकम 3.14, वो भी माइनस का। 6 माइनस तो ये हो जाएगा 7.14 माइनस का। देन बेटा 25 माइनस 13.14 तो ये हो जाएगा 14, 11.286। 16 तो दिस विल बिकम 2.86। 12 दिस विल बिकम माइनस का 1.14। And then last, how much? 5.14 minus का। क्या सारे बच्चों का कैलकुलेशन यहां तक सही है? देखो बेटा हम, हाँ बोलो। नहीं अच्छा ये देखो अभी से डर रहा है, 12th में स्टैट्स नहीं है बेटा, 12th में आपके मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी है, थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाएगा। अब देखो, अब हमें टोटल देखो, अगर फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं बेटा तो हमें टोटल तीन चीजें चाहिए। एक एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए। तो हम इन तीनों चीजों को नोट कर लेते हैं। तो एक्स वाई मतलब स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई। दूसरा स्मॉल एक्स का स्क्वायर और तीसरा बेटा स्मॉल वाई का स्क्वायर करना है। बात समझ में आई सब बच्चों के? अब शुरू करें बेटा आप लोग, जल्दी से करेंगे। बेटा ये हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको करने का एक सिंपल मेथड भी है, पहले इसको कर लो तभी सिंपल मेथड समझाऊंगा। 15.94 57 into 3.14 ले ले करेंगे सारे बच्चे भी। माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो 20.6 देन 7.10 इनटू तो 11 जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे। ओके 11 माइनस में आएगा ये भी, 6 7 42 ओके जल्दी करें बेटा, जल्दी करें सारे बच्चे। आप लोग स्क्वायर निकालें, मैं एक्स वाई की कैलकुलेशन कर दे रहा हूं। ओके द लास्ट ये भी माइनस में आएगा, 21.43 तो 15। किसी ने स्क्वायर कैलकुलेट किया? शुरू के तीन किए, बताओ बेटा जल्दी से वैल्यू। ओके ओके
111.72, ठीक है। मैं तब तक इसका कैलकुलेट कर, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें बेटा। जल्दी 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 कैलकुलेट करें। कितना 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 फिर से बोलो। 12.74, बहुत बढ़िया। 2.04, नेक्स्ट। 41.34, कटना हो जाए। तूने वो तो नहीं किया, कैलकुलेटर यूज तो नहीं किया ना, लास्ट वाले का बता बेटा। 459.2, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, अब जरा वाई स्क्वायर में बचे हुए चार आइटम्स का जल्दी जल्दी निकाले बेटा आप लोग। ना 140.65, ठीक है। रुको, ये गलत हो गया। हाँ बेटा बोलो। ट्वेंटी पॉइंट फाइव सिक्स आ रही है। रुको, अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 6. रुको, 7 4 28, नहीं बेटा ठीक तो आ रही है। फिर से कैलकुलेट करके देखो, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी। अभी बाबू, तो पहले सारे बच्चों का यहां तक कैलकुलेट हो गया बेटा, सारे बच्चों का। अभी काम करें जरा आप लोग, सिग्मा एक्स वाई निकाले बेटा, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाले आप लोग और सिग्मा वाई स्क्वायर निकाले। बहुत जल्दी से बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, हाथ जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोग को जरा बता देता हूं कि इसका सेकेंड मेथड भी कैसे यूज कर सकते हैं। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। जल्दी बच्चों, जल्दी। हाँ बेटा, वाई स्क्वायर फिर से बोलना जरा, कितना आया? 240.79, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर जल्दी से कैलकुलेट करो। रुको, 240.79 इसने बताया मेरे को, उसने बताया, खुशी ने कितना आंसर, रुको, खुशी ने आंसर बताया एक्स स्क्वायर का टोटल। अरे एक सेकेंड, खुशी एक बार फिर से बताया कि बेटा कितना लिखा है एक्स स्क्वायर का टोटल। 686.13, ठीक है। ओके, सारे बच्चों को स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? ठीक है, हाँ, इसीलिए इसीलिए पूछा है। 2 मिनट रुको जरा।
एक बात बताओ, मेरी आवाज सब बच्चों को आ रही है ना? अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू बेटा, है ना? 2 मिनट रुको, जरा आना चाहिए, ठीक है? जबकि सेकेंड फॉर्म, ये लो, बेटा लेकिन अगर इसको समझ गए तो कैलकुलेशन सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को दोनों मेथड समझा रहा हूं। फर्स्ट मेथड से करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके स्टेप्स बड़े सिंपल सिंपल से है ना, बड़ा छोटा सा स्टेप्स है, लेकिन उससे कैलकुलेशन बड़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है? सेकेंड मेथड से ये होगा कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। हालांकि मैं इसको करने का तरीका समझाता हूं। सारे बच्चों ने नोट कर लिया है? नोट कर ले बेटा, फिर मैं ना एक बार समझाता हूं कैसे करना है। सारे बच्चों का नोट हो गया? अब मेरी बात ध्यान से समझना। पहले तो मैं ये फॉर्मूला एक बार आप लोग को लिख देता हूं, रुको। अब इसको एक बार समझते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। बेटा फॉर्मूला ये, स्टेप डेविएशन मेथड, फॉर्मूला इज आर इज इक्वल टू, यानी कोरिलेशन इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन में कैपिटल एन अपॉन अपॉन में आएगा बेटा, सबसे पहले अंडर रूट में सारा आइटम। अंडर रूट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू दूसरा अंडर रूट आएगा। अब रुको, यहां पे एक छोटा सा वो कर दूं सही से, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक अंडर रूट है और ये दूसरा अंडर रूट है। यहां पे क्या होगा? सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। बड़ा अजीब सा फॉर्मूला लगा आप लोग को, है ना? लेकिन ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है बेटा, इससे कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी। अब सबसे पहले जरा सारे बच्चे स्टेप्स लिख ले बेटा, स्टेप्स लिख लोगे तो सारी चीजें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट डी एक्स। स्टेप नंबर वन, डी एक्स कैसे आएगा? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। नाउ व्हाट इज एक्स माइनस ए? ए इज एज्यूम्ड मीन, ठीक है? डी एक्स, और यहां पर आप निकालोगे डी वाई, तो यहां पर डी का मतलब क्या होगा? वाई माइनस ए, यानी आपको एज्यूम्ड करना है बेटा मीन फ्रॉम वाई, एज्यूम्ड मीन फ्रॉम वाई, और यहां पर आ जाएगा फ्रॉम एक्स। ठीक, पहला स्टेप तो ये हो गया, ठीक है? दूसरा स्टेप नोट करें बेटा आप, जरा आप लोग, स्टेप नंबर टू, कैलकुलेट डी एक्स का स्क्वायर, यानी कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ डी एक्स, ठीक है? यानी जो आपने डी एक्स निकाला बेटा, अब आप उसका क्या करोगे? स्क्वायर निकालोगे। सेम स्क्वायर ऑफ डी वाई, तो यू विल गेट, सो यू विल गेट डी एक्स का स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। ये बात सबके समझ में आई यहां तक? ओके, स्टेप नंबर थ्री, कैलकुलेट सम टोटल ऑफ डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर, सो यू विल गेट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा डी वाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? नोट कर लो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर थ्री हो गया। स्टेप नंबर फोर, कैलकुलेट या फिर कैलकुलेट नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई
dx with dy, so you will get dx dy, and sum total of this value, sum total of this value will become sigma dx dy. यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, अब देखो बेटा ये जितना आप लोग को टफ लगा ना उतना टफ है नहीं. और यहां पर एक लास्ट चीज, कैपिटल एन इज बेसिकली नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स. अब मैं आप लोग को बताता हूं इसमें मतलब इसमें इजी क्या था. सबसे पहले सेम क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन किया ना उसी क्वेश्चन को आप जरा इस मेथड से करते हैं. तो x और y की वैल्यू थी बेटा, बस एक कोई एक बच्चा मुझे जरा x की वैल्यू बता दो क्या क्या था इस जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था. एक एक करके बेटा, 10, 12, 8, 15, 20, 25, 19. y की वैल्यू बोलना बेटा, 15, 10, 6, 25, 16, 12, 8. ठीक है, अब देखो 40 है, 90 लिखा ही कहा है? अच्छा ये एक से, अच्छा ओके ओके ठीक है, 90 नहीं बल्कि 40 है. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. सबसे पहला स्टेप हमें क्या कैलकुलेट करना है, dx. और बेटा dx कैसे निकलेगा, dx कैसे निकलेगा बेटा, जब हम x में से a को माइनस करेंगे और a इज assumed mean. तो एक बात बताओ बेटा, अगर हमें x में से कोई एक वैल्यू assumed करनी हो फॉर मीन, क्या एज्यूम करें, 50, और y में से, चलो भाई तुम लोग कहते हो तो ये मान लेते हैं. तो सबसे पहले हमें निकालना है बेटा dx, और दूसरा स्टेप हमें क्या निकालना है, dy. अब देखो dx कैसे निकलेगा, x माइनस a करके, और dy कैसे निकलेगा, y माइनस a करके. पहला स्टेप ये समझ में आया सब बच्चों को, ये स्टेप सबको समझ में आया? अब इसको हम करके देख लेते हैं. सो 10 माइनस 15 दिस विल बिकम माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, 8 माइनस 15 माइनस 7, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 15 10, और 40 माइनस 15 25. सेम एज dy निकलेगा y माइनस a, तो a हमारा y में क्या है 25, तो 20 x y माइनस a यानी 15 माइनस 25 माइनस 10, 10 माइनस 25 माइनस 15, 6 माइनस 25 माइनस 19 0, 16 माइनस 25 हाउ मच माइनस 9, 12 माइनस 25 माइनस 13, और 8 माइनस 25 हाउ मच 70. पहले बताओ यहां तक सब बच्चों को समझ में आया? या अब जरा हम इसका दूसरा स्टेप देखते हैं बेटा, हमें क्या करना है, ये जो हमने dx निकाला है और dy निकाला है इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. चलो अब एक बात बताओ, क्या इन वैल्यूज का स्क्वायर करना इजी हो गया? अगर आप नोटिस करो तो यहां पर जब आप स्क्वायर कर रहे थे, ये जब ये स्क्वायर कर रहे थे तो आपके लिए बहुत टिपिकल था ये वैल्यू को स्क्वायर करना, बट यहां पर आपको स्क्वायर करना इजी हो गया. तो dx स्क्वायर और dy स्क्वायर कर लेते हैं हम. चलो तो बेटा 5 5 ऑब्वियसली 25, ठीक है 9, हाँ बेटा स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएंगे ना, ठीक है. फिर उसके बाद कौन सा वाला वैल्यू किस में, x में y में, बेटा हमने एज्यूम मीन 25 लिया है y में, तो y माइनस a करते हैं ना, सॉरी y माइनस a करते हैं ना, नहीं एक सेकेंड जतिन, y माइनस a करते हैं ना बेटे, डाउट पूछो क्या पूछ रहे हो, समझा नहीं, फिर से बोलो जतिन.
मैं बताता हूँ, तू कंफ्यूज हो गया। तुमने एज्यूम मीन क्या लिया, बस इतना बताओ, तुमने 16 लिया है? तो बेटा फिर तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम्हारे पास टोटल एक दो एक वैल्यू आई होगी पॉजिटिव में, बाकी एक वैल्यू जीरो में आई होगी, बाकी सब नेगेटिव में आई है, इसलिए आई है बेटा। मैंने क्या एज्यूम किया है, 25 एज्यूम किया है, समझे? अगर मैं 16 y माइनस a यानी 16 माइनस 25 करूं तो दिस विल बिकम माइनस 9 ना, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, समझे? अभी क्लियर है, पक्का ना? ओके अब इधर देखो, हम स्क्वायर पे आ चुके थे बेटा, तो 5 5 जा 25, देन 10 10 जा 100, और 25 into 25 भाई 625। ओके 625 आता है भाई। हाँ अच्छा, अब जरा वाई डी डी वाई का स्क्वायर निकालो बेटा जल्दी से, दिस विल बिकम 100, 15 into 15 225, 19 into 19 19 इंटू 19 ये भगवान, इतना मेरे को ही करना पड़ेगा, 361। और बेटा फिर 13 इंटू 13 169, 17 इंटू 17 289। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन इजी लगी अभी आप लोग को, ठीक है? अच्छा अब देखो, ये वैल्यूज तो हमने यहां तक कैलकुलेट कर ली, हमने उसका सिग्मा अब हमें क्या करना है, इसका सिग्मा निकालना, मतलब ये जो डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर है इसका टोटल करेंगे, तो हमारे पास सिग्मा डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और सिग्मा डी वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सारे बच्चे? अच्छा नेक्स्ट स्टेप बेटा, हमें क्या करना है, डी एक्स को डी वाई से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट? हाँ चलो, तो डी एक्स इंटू डी वाई भी कर लेते हो, दिस विल बिकम डी एक्स डी वाई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो 10 इंटू 5 या -10 इंटू -5 दिस विल बिकम हाउ मच, प्लस का 50, फिर 15 इंटू 3 45, 19 7 जा -9 इंटू 5 माइनस का 45, -13 इंटू -10 सॉरी -13 इंटू 10 दिस विल बिकम -130, और 25 इंटू 17 425, वो भी माइनस का। सारे बच्चे यहां तक क्लियर है? मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मैं यहां पर ना आप लोग के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं वापस से, सेम फॉर्मूला जो हमने अभी सिंपलीफिकेशन वाला किया है, सिग्मा बेटा 19 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 9 63, और ये 133 होता है, तुम लोग को समझ नहीं आता 133 होता है? हैं टीचर बताएगा तुम लोग को कि 133 होता है? मैं अपनी बात कर रहा था, क्रेडिट लेके जा रहा है। हाँ अब इधर देखो, अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं बेटा, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन में एन अपॉन, अब मेरी बात ध्यान से समझना जरा, अंडर रूट के अंदर सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, दूसरा अंडर रूट क्या है बेटा, सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, यही फॉर्मूला है ना? फॉर्मूला जरूर लंबा है बेटा, लेकिन अगर आपने 2 से 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए, अपने आप लोग को ये चीज लर्न हो जाएगी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंठस्थ हो जाएगी। अब देखो dx dy का सम, बेटा dx तो dy का अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास सिग्मा dx dy आ जाएगा। ओके दूसरा बेटा सिग्मा dx, यानी मेरे पास dx ऑलरेडी आ चुका है, अगर मैं इसका सिग्मा कर दूं तो मेरे पास सिग्मा dx आ जाएगा, सेम एज डी वाई है, तो मैं इसका सिग्मा कर दूं तो सिग्मा डी वाई हो जाएगा जी सर। तो बेटा ध्यान से देखें, सिग्मा डी एक्स डी वाई दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कर देंगे न्यूमिनेटर। अब हम सात बच्चों को समझ में आया, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स यहां पर, हाँ नहीं अबे दोनों के सेम ही नंबर होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा ये, ठीक है?
अच्छा देखो बेटा, अब जरा डिनोमिनेटर में देखते हैं, अंडर रूट में हमें सिग्मा डी एक्स स्क्वायर करना है। क्या मेरे पास सिग्मा डी एक्स स्क्वायर आ चुका है यहां से? ठीक है बेटा, माइनस करेंगे सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा सिग्मा डी एक्स है, ये जो हमारा सिग्मा डी एक्स है, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन हो जाएगा सॉल्व। एंड सेम विद द डी वाई का केस, सिग्मा डी वाई का स्क्वायर, ये रहा हमारा सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का, यानी ये जो डी वाई है इसका होल स्क्वायर अपॉन एन। सारे बच्चों को फॉर्मूला समझ में आ गया सबको?